एक खबर जो है वो काफी फैल रही थी और भारत से लेकर के पाकिस्तान तक में बहुत जबरदस्त फैली। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेट ऐसा हो चुका है कि पता नहीं इन खबरों को हम पोस्ट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन पोस्ट हो रहा था, आराम से हो रहा था। तो उसी की पुष्टिकरण करने के लिए मैंने सोचा, काफी लोग मुझे भी, मैं ट्रैवल पे थी सुबह से, तो काफी लोग मुझे भी कह रहे थे कि आपने दाऊद इब्राहिम के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने काफी कमेंट में ये रिप्लाई दिया कि जब तक कोई ठोस खबर मेरे हाथ नहीं आती है, मैं तब तक उस सिलसिले में बात नहीं करता। ठीक तो हो गया। ठोस खबर जब मेरे हाथ में आई और टाइम्स अलजेब्रा का जब मैंने न्यूज देखा और कई अलग अलग देशों के जब मैंने न्यूज देखे कि ये फेक न्यूज है, अच्छा सबसे पहली बात कि 2001 में पहली बार एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम की आई थी, तो 2023 में भी वो वैसा ही दिखता है, ये कैसे पुष्टिकरण हुआ? कैसे ठीक हो पुष्टिकरण हो गया। गया? 23 साल में वो गंजा हो गया, वो टकला हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो जवान का जवान कोई ही है। तस्वीर तो सामने नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आती है कि भाई वो इतनी सिक्योरिटी में रहता है, इतनी सिक्योरिटी में रहता है, तो ऐसे कौन से वो खैराती हॉस्पिटल में चला गया कि वॉचमैन ने देख लिया और वार्ड बॉय ने देख लिया और उसने हल्ला कर दिया, कह रहे दाऊद इब्राहिम जो है उसको पॉइजन मिल गया है और वो बेड पर लेटा हुआ है और अपनी आखिरी सांसों को बुला पुकार रहा है और 72 वर्जिन हो रहे हैं उसका आसमान में इंतजार कर रही है पूरा एकदम अच्छा। तैयार होकर के। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो नेटवर्क आपका नेट जो डाउन हुआ था उसकी भी पुष्टिकरण काफी न्यूज चैनल ने की है कि इमरान खान जो अभी अरेस्ट अरेस्ट हैं, वो वर्चुअल मीटिंग और अरे वर्चुअल जी रैली वो करने वाले थे, अपनी किसी बात को वो रखने वाले थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने और जो केयर टेकर आपके प्राइम मिनिस्टर है काकर ने, उन्होंने पूरा नेटवर्क स्लो कर दिया था कि ये बात बिल्कुल सत्य है जी। वो अपनी बात को ना रख पाए। देखो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ भगोड़ा था, अचानक से वो फिर से आ गया है, फिर से वो रैली मीटिंग में चल कर रहा है, फिर से वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की का ख्याली पुलाव पका रहा है। नवाज शरीफ जी फिर से एक तरफ नवाज शरीफ मीटिंग करता है कि नहीं भारत के साथ नफरत अच्छा नहीं होगा अगर देश को हमको पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, दूसरे दिन काकर खड़े होकर के बोलता है कि भाई वो 300 जंगे लड़ेगा भारत के जी लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर को लेकर। तो ऐसे सिचुएशन में अचानक से इमरान खान ने कह दिया कि भाई वो एक नया फतवा जारी करेगा, नया तबलीग निकालेगा, तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को भी लगा कि भाई उसका पोल पट्टा डॉन न्यूज पेपर में अजमल कसब को लेकर के इमरान खान ने ही फोड़ा था, ये नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया था डॉन न्यूज पेपर में कि भाई अजमल कसब पाकिस्तान का ही था। तो उसी तरीके से नवाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि भाई फिर से कोई पोल पट्टा इमरान खान ना खोल दे, उससे बेटर है कि हम लोग पाकिस्तान का नेटवर्क डाउन कर देते हैं और ये रैली को हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो और ये हुआ भी, 90% ये काम हो भी गया कि वो रैली और वो जो स्टेटमेंट और वो जो स्पीच इमरान खान की थी और जो वर्चुअल मीटिंग थी वो अनसक्सेसफुल हो गई। अब इसी बीच में क्या हुआ कि एक किसी ने फुलझड़ी छोड़ा कि अरे दाऊद इब्राहिम जो है वो उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो एकदम बस डेथ बदतर। डिक्लेयर हो गई है जी, कल 1-2 बजे से डेथ डिक्लेयर है कि दाऊद इब्राहिम जो है मर चुका है, और उसको कितनी दफा मारना है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ अब मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। अब हुआ क्या कि काफी लोगों को इस न्यूज में सच्चाई इसलिए नजर आई क्योंकि 2023 में 22 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर ही एक स्पाइडरमैन आता है और गोली दाग करके चला जाता है, और हालिया में साजिद नाम के एक बंदे को भी जेल के अंदर पॉइजन दे दिया गया था। जी तो 48 में से 22 मोस्ट वांटेड, जिसका किसी किसी का अजमल कसब वाले ताज बंगाल वाले घटना से काफी बड़ा लगाव था, किसी का 93 बॉम्ब ब्लास्ट वाले से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, किसी का लश्कर ए तैयबा से बहुत ज्यादा अटैच था, कोई तो एकदम मास्टरमाइंड था पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला। तो ऐसे ऐसे जब 22 मरे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज, जिसका वीडियोग्राफी काफी न्यूज चैनल पर भारत में भी चला और अलग अलग देशों में भी चला, तो वैसे सिचुएशन में जब दाऊद इब्राहिम
का ये न्यूज आया तो सबने सोचा कि शायद ये भी सही हो सकता है, पर इसको इसको वैलिड करने के लिए सिर्फ शब्दों से तलवार मारे गए हैं, इसका कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं दिया गया है। 2021 में भी यह खबर आई थी, मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया है कि 2021 में भी यह खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कोविड से मर गया है। उसके बाद फिर 2017 में खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम को हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद फिर 2003 में भी एक खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने मार दिया है और दाऊद इब्राहिम के घर में ही उसको दफन कर दिया है। तो भाई 1984 में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 1984 से लेकर के 2023 तक में भारत में अफवाह बहुत बाद उड़ चुकी है कि भाई दाऊद इब्राहिम मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, इस चीज की पुष्टिकरण जरूर हो गई है कि जावेद मियांदाद जो आपके पूर्व खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उनके संबंधी जो हैं उनको पाकिस्तान में ही रखा गया है। और वर्ल्ड कप के दौरान मैंने ये बात कही भी थी, हालांकि उस वक्त मजाकिया तरीके से मैंने कहा था कि जावेद मियांदाद से पूछा जाए कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, तो आज देखिए इस बात पर मोहर लग चुकी है कि आपके पाकिस्तान ने सिर्फ अजमल खसब नहीं रखा, लश्कर ए तैयबा नहीं रखा, जिहादी और टेररिस्ट नहीं रखा, उसामा बिन लादेन नहीं रखा, आपने दाऊद इब्राहिम को भी रखा, जिस पर काफी पिक्चर भी बनती है भारत में, 21 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है और डॉन जो है वो भाई पाकिस्तान की सरजमीन पर है, मजे उड़ा रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पे, समधी के यहाँ समधियाना खाना खा रहा है। एक ये भी है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, क्योंकि देखिए कोई वीडियो या कोई तस्वीर नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक बंदे की जो कई साल पहले की जो पिक्चर्स है वो ही है, जैसे हमने लश्करे तैयबा के जो हाफिज सईद की अगर बात करें तो उनकी गाहे बगाहे तस्वीरें चेंज होती है, मतलब कि वो जिंदा है नजर आ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इतना बड़ा डॉन जिसको दुनिया ढूंढ रही है और वो सफाए हस्ती से गायब है, तो ये आपकी बात ठीक है, कितनी दफा उसको मारेंगे, कोई ना एक खबर तो सच्ची होगी ना इसमें कि एक खबर में तो वो फुड़क गया। हाँ। भाई 2001 में मैं जैसी दिखती थी अभी 2023 में मैं बिल्कुल अलग दिखती हूँ। तो ये जो तस्वीर है यही तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। हाँ, यही फर्स्ट तस्वीर है, इसके अलावा तो कोई भी तस्वीर नहीं है किसी के पास, कोई भी नहीं है, नहीं है। हालांकि देखो छोटा शकील की तस्वीर मेरे पास पूरा डिटेल है, छोटा शकील की तस्वीर चेंज हुई है, देखो यहाँ पर दिख रहा है छोटा शकील की तस्वीर चेंज हुई है। उसके बाद फिर और भी दो लोग हैं उनकी भी तस्वीर चेंज हुई है, उसके बाद और दो लोग हैं उनकी भी तस्वीर चेंज हुई है, लेकिन 1984 से लेकर के 2023 तक में दाऊद इब्राहिम की कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई है, ना भारत के पास ना दुनिया में किसी के पास, जो वो बता सके कि अब दाऊद इब्राहिम ऐसा दिखता है और दाऊद इब्राहिम का क्या मूवमेंट है, ये कोई नहीं बता पा रहा है। हाँ, वो पाकिस्तान में है, ये चीज में स्टैंप लग चुका है कि वो पाकिस्तान में है, और इसके लिए भारत को शौक होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इज लाइक अ डस्टबिन, पाकिस्तान को मैं ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि वो एक डस्टबिन है, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी गंदगी है वो उस डस्टबिन में ही जाकर के, इसमें कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। हाँ, नहीं माना, लेकिन 25 करोड़ आवाम रहती है और उनका ये मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, चलिए हम मानते हैं कि खराबियां हैं और माजी में हमने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर की, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तो हम अच्छा सोच सकते हैं ना, कुछ अच्छी बात कर सकते हैं, जैसे कि टेररिस्ट का निपटाना पाकिस्तान के अंदर, और आप देखिए हमारी गवर्नमेंट इससे लेके कोई बात भी नहीं कर रही है कि क्यों मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर हम भी इनसे छुटकारा चाहते हैं, जो कि एक वाजिया मैसेज है पाकिस्तान का। नहीं, आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बात कर रही है कि आखिर 48 टेररिस्ट में से मोस्ट वॉन्टेड 48 टेररिस्ट जिन्होंने भारत के हमले में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, मास्टरमाइंड रहे हैं, उनकी मौत 22 की हो चुकी है 48 में से। आपकी सरकार इसलिए नहीं कह रही है या कन्फ्रंटेशन में या डिबेट में इस बात को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं 300 जंगे लड़ने का जो हवाबाजी है वो क्लियर होकर के सामने आ जाएगा। आप देखें कि हमने सिर्फ अभी 300 की बात की है, हमारी 300 पे बस है, उससे आगे नहीं हम बढ़ सकते। देखिए लिमिट भी लगा दी है कि सिर्फ 304 हम कर चुके हैं, अभी वापस ऑप्शन है 290,
मैं उन तीन जंगों के बारे में बता करके तुम्हारा मुंह लटकवाना नहीं चाहती हूँ शैला। मैंने पढ़ लिया है, आप बड़ी अच्छी दिख रही हैं, फ्रेश फ्रेश दिख रही हैं। मैं तो सुबह से ट्रेवल करके आई हूँ, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि 1971 में जो 93,000 आपके जो सेना थे, आपके जो आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने कैसे पैंट उतार करके चड्डी में वापस लाहौर दौड़े थे और मर्सी मांगे थे। कहता है कि वो एक बंदे को भारत ने मल्टीप्लाई कर दिया था, अच्छा ठीक है। अब आप ये आपके ही पाकिस्तान के अफशार न्यूज में ये छपा था, आपके ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने, हालांकि उसकी मौत हो गई ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades। आपके पाकिस्तान में 98 जर्नलिस्ट की मौत हुई है, मर्डर करा गया है, जिसका मैटर आपके सुप्रीम कोर्ट में चढ़ता भी नहीं है, हालांकि केस फाइल है, चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आबशार बोल करके एक उर्दू न्यूज़पेपर आता था जिसमें ये बात की पुष्टिकरण की गई थी कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसा लेता था अपनी सरकार चलाने के लिए और वहां पर पनाह लेने के लिए, और इमरान खान दाऊद इब्राहिम से फंडिंग लेता था अपनी सरकार चलाने के लिए और अपनी ऐशो आराम को कंटिन्यू करने के लिए। और ये उसकी कटिंग भी मेरे पास है, उसकी कटिंग भी मेरे पास है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भारत का कोई न्यूज़पेपर नहीं बोल रहा है, ये आपके पाकिस्तान का उर्दू न्यूज़पेपर बोल रहा है। और उसकी मौत भी हो गई इसके सिर्फ 7 या 8 दिन के बाद, जिस दिन इसने इस चीज की पुष्टिकरण की थी, लिखा था पेपर में और काफी प्रूफ के साथ लिखा था, उसी के 8 दिन या 7 दिन के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब बात आती है कि दाऊद इब्राहिम जो है, जब भारत के डोंगरी मोहल्ले से, इसी बॉम्बे में, डोंगरी में उसका काफी पकड़ था, जिसकी बहन हसीना थी, उसके बाद यहाँ से जब वो भागा था याकूब मेमन और 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उसका बहुत बड़ा हाथ था, और यहाँ से जब वो भागा था तो वो नेपाल के रास्ते से भागा था और डायरेक्ट वो दुबई चला गया था। पर एक चीज होती है ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदला जा सकता है, तो दाऊद इब्राहिम या टेररिस्ट माइंडेड जो लोग होते हैं उनका नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है शैला। तो वहां पर दुबई में भी उसने क्या किया, दो गुट में टकराव हुआ और वहां पर भी उसने धां धूं स्टार्ट कर दिया। अब दुबई के जो उस वक्त जो प्रिंस थे और वहां पर जिनकी सरकार चल रही थी, उन्होंने तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा वाला एक ख्याल रखा और उसको मर्सी दे करके कहा कि भैया तुम अपने लोगों के साथ लोटा कंबल समेटो और यहां से निकलो। तो दुबई से जब वो निकला है उसके बाद वो कहाँ गया है, कहाँ पर छुपा हुआ है, वो अब जाकर के 2023 के दिसंबर एंड में पता चला कि भाई जैसे उसामा बिन लादेन को 5 साल गार के अंदर छुपा करके पाकिस्तान ने रखा था, उसी तरीके से आपके पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी के समधी को छुपा करके पाकिस्तान ने ही रखा है और बहुत ऐशो आराम से रखा है। अब देखिए उस दाऊद इब्राहिम जैसे उसामा बिन लादेन हर एक देश में नहीं जा सकता था, वहां जाकर के वो पनाह नहीं ले सकता था, उसी तरीके से दाऊद इब्राहिम भी इतना गंदा कर चुका था और काफी देश मुस्लिम ममालिक में भी वो मोस्ट वांटेड था, मुस्लिम मुल्कों में भी, भारत में तो वो था ही था लेकिन मुस्लिम मुल्कों का भी उसने बुरा किया था और वो मोस्ट वांटेड था। तो पाकिस्तान जैसा डस्टबिन ही उसको अपने अंदर समा सकता था और उसको छुपा करके रखा हुआ था। अब आती है ऐसे बोलेंगे तो हुब्बुल वतनी भी कोई चीज है ना, मैं आप उसको बोले, आप पूरे पाकिस्तान को जब लपेटेंगे तो बुरा लग रहा है। जैसे भी है मुल्क तो है ना, रह रहे हैं यार, पहचान है उसके साथ, क्या करें। अच्छा तुम लोगों को अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है, लश्करे तैबा, हाफिज सईद, अजमल कसब, अल जिहाद, दाऊद इब्राहिम, उसके बाद उसामा बिन लादेन, पाकिस्तान, पाकिस्तान भाई, हर गली में हमारे इस्लामिक प्रेचर जो 108-8 सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं और जो आराम से जिहादी बातें बताते हैं, तो ये सब सुनकर के अच्छा लगता है या पीसफुल माहौल अच्छा लगता है? जाहिर है पीस अच्छी अच्छी बात है, ये तो बहुत बदनाम हो गए ना, अब ये बदनामी हमारी जान नहीं छोड़ी, हम पल्लू छुड़ा रहे हैं, ये मैग्नेट की तरह चिपकी जा रही है। अच्छा देखिए ये मैं 98 की मैं बात बता रही हूँ कि 98 में ये चीज सबके सामने आई थी, पूरे पूरी दुनिया के सामने आई थी कि पाकिस्तान में शायद दाऊद इब्राहिम रह रहा है, एक एक चीज आई थी, क्योंकि अमेरिका ने भी उसामा बिन लादेन के लिए पाकिस्तान से तकरीबन
108 बार पूछा था तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तो वो पाकिस्तान बार बार बोलता था नहीं मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, और रातों रात फिर लाइव टेलीकास्ट दिखा करके ओबामा जी ने उसको अरेस्ट किया था पाकिस्तान से ही, ठीक है। अब ये 98 में आया था कि ये तीन एड्रेस है उसामा बिन लादेन के, तीन एड्रेसेस है जो पाकिस्तान के। अब इसमें भी कहीं ना कहीं एक चीज थी कि भाई है कि नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है, इन तीन एड्रेस पे अगर जाया जाए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी चीज है। क्योंकि दुबई में आज भी दाऊद इब्राहिम का की जो प्रॉपर्टी है वो 100 मिलियन से ऊपर है, 100 मिलियन से ऊपर है। और अभी आप देखो 15 दिन पहले महाराष्ट्र में डोंगरी में ही, डोंगरी में ही ISI के पूरे स्लीपर सेल पूरा एक गांव बना करके रखे थे जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उसको पूरा सीज किया गया है, और 15 जो मेन थे उनको धर दबोचा गया है। और कल भी फिर 11 अरेस्ट हुए हैं जहां पर, जहां से हमास का झंडा भी सीज किया गया है। तो ये वही घूम फिर करके डोंगरी आ रहा है। इवन शाला मैं तो जिस वक्त ये बात सुनी ना कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने टपका दिया, तो 22 ऑलरेडी टपके थे, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये खबर सही है, और अगर दाऊद इब्राहिम को टपकाने में भारत के किसी लोगों का हाथ है तो मुझे लगता है कि उसको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। मैं ऐसा बोली सब खुश हैं जो पाकिस्तान से, जितने भी मैंने यूट्यूब के शो देखे सभी स्माइल करें कि अच्छी बात है टपक गया, इसने कौन सा कोई अच्छे कारनामे किए थे जिस पे कोई अफसोस करे। इन वन सेकंड मेरे दिमाग में ये बात आई कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद इज नॉट एन इजी टास्क, इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई भी हो, इस बात को मानना पड़ेगा कि हाफिज सईद ऐसे किसी खैराती हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, या दाऊद इब्राहिम अपने किसी खैराती हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट नहीं कराएगा कि वहां का वार्ड बॉय और वहां की नर्स बता देगी कि अच्छा वो तो बुजहर खा के आया था, अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है, 5 साल उसामा बिन लादेन आपके यहाँ गारों में रहा, तो क्या उसकी तबीयत नहीं खराब हुई होगी, क्या उसके घर के लोग बीमार नहीं हुए, वो तो नाती पोता बीवी सबके साथ रहता था, तो हुआ तो होगा ना। लेकिन उस बंदे ने ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज की, ना मोबाइल फोन यूज किया, ना लैंडलाइन यूज किया, चिट्ठी और पत्रे के द्वारा वो अपना काम किया करता था, और उसने इतना बड़ा काम किया अमेरिका के अगेंस्ट में। तो दाऊद इब्राहिम को कोई चुटकुला नहीं है कि हमने बोल दिया और हम हंस लिए, या दाऊद इब्राहिम को कोई पॉइजन दे देगा, भाई उससे उसके पास जाने के लिए मुझे लगता है कि सात ऐसे दरवाजे होते होंगे जो जन्नत में भी नहीं होंगे पहुंचने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए 7 दरवाजे होते होंगे, और तब जाकर मिलता होगा। और वो ऐसे ही हॉस्पिटल में चला गया और लोगों ने और वार्ड बॉय और नर्स ने कह दिया कि दाऊद इब्राहिम टपक गया। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी और भारत रत्न अवार्ड के लिए मैं बोलूंगी कि भाई जिसने टपकाया, और अगर वो भारत का आदमी है तो उसको तो माला वाला पहनाओ, चंदन का टीका लगाओ कि ये बहुत बड़ा आदमी है जिसने दाऊद इब्राहिम को टपका दिया, इसने दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दिया। मतलब हमारा भारत इतना सशक्त हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि भाई दाऊद इब्राहिम जैसा एक कर्स, एक मनहूसियत खत्म हो गया है धरती पर से। उसामा बिन लादेन के खत्म होने पर के बाद चीजें बहुत बैलेंस्ड हुई हैं। अमेरिका से पूछो आप, चाहे आप सऊदी अरबिया से पूछो, चाहे आप बहरैन से पूछो, चाहे आप किसी मुस्लिम ममालिक से पूछो या वेस्टर्न कंट्रीज से पूछो, और चाहे आप भारत से पूछो, हर किसी को लगता है कि ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद चीजें बहुत बैलेंस्ड हुई हैं, चीजें लोग जो है वो अपने विजन को इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। और टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर खत्म होता है तो मुझे लगता है कि इसमें हर एक देश खुशी होगा, इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका चेहरा लटक जाएगा एक्सेप्ट पाकिस्तान, बाकी देश खुशी होंगे। लेकिन दाऊद इब्राहिम को अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वो मर गया और पॉइजन उसको मिल गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई छल है, और बहुत बड़ा छल है, और पाकिस्तान की तरफ से एक नई साजिश है। क्योंकि साइमल्टेनियसली सीमा गुलाम हैदर का आना और मीडिया का इतना हाईलाइट कर देना कि वो फिर पस्त हो गई, जावेरिया का आना शादी के नाम पर और इतना मीडिया ने हाईलाइट कर दिया कि वो भी पस्त हो गई, अंजू का जाना और अंजू का आना लेकिन इतना मीडिया हाईलाइट कर चुकी कि वो भी पस्त हो गई, उसके बाद इन तीनों औरतों के आने और जाने में तकरीबन 118 से ऊपर स्लीपर सेल का अरेस्ट होना,
चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो महाराष्ट्र के डोंगरी से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, 118 स्लीपर सेल का अरेस्ट होना, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में एनआईए का इतना बड़ा रेड होना जहां पर आईएसआई की ट्रेनिंग दी जा रही थी जिहाद करने के लिए, और एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी कि भारत के मुसलमानों को जोड़ करके किस तरह से भारत पर हिंदुओं पर अटैक किया जाएगा, लेकिन वो भी बस्ट हो चुका और एनआईए की टीम ने उसको भी खत्म कर दिया और सारे के सारे जो स्लीपर सेल के द्वारा के हिसाब से काम कर रहे थे वो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका तक में रेड करके उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली 9 साल से पाकिस्तान कोई भी षड्यंत्र नहीं खेल पा रहा है, और अब क्योंकि कश्मीर से भी 370 हट चुका है, मिलिट्री हमारी इतनी ज्यादा और आर्मी हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि बॉर्डर को इतनी आसानी से यूज करना जैसे यासिन मलिक कर लेता था, लश्करे तैबा कर लेता था, अब वो पॉसिबिलिटीज ही नजर नहीं आ रही है। गुजरात के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से जुड़ता है वहां पर हमारा एवरग्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो भी ब्लॉक हो जा रहा है। तो हर एक बॉर्डर को जिस हिसाब से ऑक्यूपाई कर दिया जा रहा है और उस पर प्रोजेक्ट्स बना दिए जा रहे हैं, तो 9 साल में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये एहसास होना स्टार्ट हो चुका है कि भाई अब मेरा अजमर कसब जैसे लोगों को एंटर कराना बहुत टफ हो चुका है। तो इस बीच में चलो भाई 48 में से 22 को डेथ हो चुका है, लोगों का दिमाग वहीं पर है कि एक सुपरमैन आता है और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर 22 आतंकवादियों को मार देता है, तो फिर भाई दाऊद इब्राहिम को भी मार दिया होगा। बट दिस इज नॉट ट्रूथ, ये सच नहीं है। जब तक आप कह रहे कि लाश नहीं आ जाती सामने और उसके कोई जनाजे की तस्वीरें नहीं आ जाती, तब तक नाजे जी कह रही है, क्योंकि एक वकील है और उनके शोबे में यही चीज है कि जो आंखों का दिखा होता है ना, कभी कानों का सुना और आंखों का दिखा भी कभी कभी झूठ हो जाता है, और अपने उस शोबे को इस्तेमाल करके उनका कहना ये कि वाकई एक तस्वीर इतने सालों से है और मजीद कोई तस्वीर नहीं आ